दोस्तों आज हिंदुस्तान के नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। आखिरकार हमारे देश की स्वदेशी पहली घरेलू जीन थेरेपी का देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभारंभ किया और कहा कि कैंसर के खिलाफ ये हमारी लड़ाई में पहली बड़ी सफलता है। आज देश के राष्ट्रपति ने IIT मुंबई में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया। देखिए इससे कैंसर पीड़ितों को कैसे फायदा मिलेगा। राष्ट्रपति जी ने ट्वीट भी किया इस संबंध में, लिखा कि इंडियाज फर्स्ट CAR-T सेल थेरेपी इज डेवलप्ड थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन एसोसिएशन विद इंडस्ट्री पार्टनर इम्यूनो ACT। सीधे शब्दों में बोले तो राष्ट्रपति मुर्मू ने आज कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी CAR-T कोशिका थेरेपी की शुरुआत की है और ये CAR-T सेल थेरेपी जो कि कैंसर के इलाज के लिए भारत में काम में इस्तेमाल ली जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कैंसर एक वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारी बनता जा रहा है। लेकिन आज भले ही दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, फिर भी हैरानी की और चिंता की बात यह है कि कैंसर का इलाज अभी तक दुनिया भर में नहीं है। कैंसर की मृत्यु दर भी सबसे ज्यादा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अलर्ट भी करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि कैंसर का मृत्यु अधिक होने का एक प्रमुख कारण समय पर इसका निदान और उपचार न हो पाना भी माना जाता है। अगर स्टेज 1-2 तक ही इसका पता चल जाए तो इससे मौत के खतरे को फिर भी कम किया जा सकता है, लेकिन अगर स्टेज 3 या कैंसर के अंतिम चरण में इसका पता चले, क्योंकि देश में ज्यादातर लोगों में कैंसर का निदान आखिरी चरणों में हो पाता है, जहां से इलाज करना और रोगी की जान बचाना काफी कठिन हो जाता है। भारत में भी कैंसर रोग एक बड़ा खतरा बन रहा है और इसी बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में आज हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किए गए CAR-T सेल थेरेपी की शुरुआत की है। IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विकसित की गई ये जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। कैंसर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको पता होगा ब्लड कैंसर, लंग्स कैंसर, हार्ट कैंसर, महिलाओं माताओं बहनों में और स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और भी कई तरह के अलग अलग कैंसर होते हैं, राइट। तो अच्छी बात, भारत के लिए बड़े गर्व की बात यह है कि ये मेड इन इंडिया थेरेपी है, जिससे अब भारत में कैंसर का इलाज किया जाएगा। इसकी लागत भी काफी कम आएगी तो लोग कम पैसों में कैंसर का इलाज करा पाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में तकनीक विकास और AI के चलते कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन नई थेरेपी की मदद से कैंसर का इलाज और आसान हो पाएगा। 90% तक कम में उपलब्ध होगी ये थेरेपी। और भी इस थेरेपी के बारे में कुछ खास बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये थेरेपी भारत के सभी प्रमुख कैंसर अस्पतालों में उपलब्ध होगी। तो दोस्तों ये भारत के लिए वाकई में बड़े गर्व की बात है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वसुदेव कुटुंबकम, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।